मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था हमारा लिविका जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, फलनों की संसिद्धता। सबसे पहले कंटिन्यूटी, इस वर्ड से हमें क्या मतलब पड़ता है? कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू चलने वाला, लगातार। सांतत्यता इसको हिंदी में बोलते हैं, सांतत्य का मतलब सतत, जो बिना रुके चलता रहे। कंटिन्यू हम बोलते ना, हमें कंटिन्यूटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई होती, अगर बीच में थोड़ा भी ब्रेक आया तो हमें, तभी हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए हर एक चीज़ की। तो कंटिन्यूटी का मतलब लगातार चलना, लगातार। सांतत्यता भी, सांतत्यता जो शब्द बना है वो सतत शब्द से बना है। सतत का मतलब भी होता है लगातार। इसका अगर हम एक बार ज्योमेट्रिकली देखें कि ज्यामितीय रूप में कंटिन्यूटी से क्या मतलब है, कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि फंक्शन है तो डोमेन के पॉइंट्स पर बनेगा, उसका एक रेंज सेट भी होगा, तो वो डोमेन के पॉइंट्स पर ही फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी और वो रेंज सेट में जाएंगे। तो हम एक ग्राफ आराम से बना सकते हैं कि अगर फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिना पेन उठाए लगातार चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि पेन की इस नोक को उठाना ना पड़े और ये लगातार चल रहा है, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? कंटिन्यूस फंक्शन। कि आपने एक बार ही नोक यहाँ रखी, अब बिना इस नोक को उठाए आपका ग्राफ चल रहा है, कैसे भी चल सकता है, बिना इस नोक को हटाए, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अगर हम बात करें साइन एक्स की, हम सब जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो, इसको आराम से बिना इस पेन की नोक को, मार्कर की नोक को हटाए हम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ये साइन एक्स हमारा कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर इसी की जगह एक और फंक्शन की बात करूं जिसका ग्राफ क्या है, पहले इस तरीके से है फिर इस तरीके से, तो ये ग्राफ क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इसमें ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ मुझे पेन उठाना पड़ा यहाँ पे। अब इसको, इस स्पेस को छोड़ने के लिए पेन को मुझे हटाना पड़ेगा, फिर वापस मार्कर को यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर पेन हमारा लगातार चल रहा है बिना नोक उठाए तो वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। और अगर ग्राफ कहीं ब्रेक होगा, अगर ग्राफ में विच्छेद होता है तो वो उसके डोमेन, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है उसके बाद भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स वो जो पॉइंट है उसके डोमेन में नहीं है। जैसे सपोज फंक्शन है हमारा 1/2 union 3/4 2r, इस फंक्शन का डोमेन हमारा क्या है? 1/2 union 3/4। फंक्शन मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है, fx = x, इसका ग्राफ में बनाऊं 1 0 1 2 3 4 1 2 3 और ये मेरा 4, 1 से 2 के बीच में fx = x है, सेम वैल्यू, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1, 2 पे 2, इसके बाद 3 to 4, ये हमारा हो गया 3 to 4। अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं? हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें बहुत एक बड़ा गेप नजर आ रहा है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि फंक्शन अपने डोमेन में, जो उसका डोमेन है वो किस रूप में दे रखा है? डोमेन के अंदर ही क्या है? गेप है। हम देख रहे हैं ये है, ये बीच वाला पार्ट है ये, तो 1/2 के बीच में, पहले हम कहाँ पे देखेंगे? 1 से 2 के बीच में देखेंगे, तो ये क्या है? कंटिन्यू है। उसके बाद पेन हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 से 3 वाले पॉइंट्स आपके हैं ही नहीं। जब भी पॉइंट्स आपके डोमेन में नहीं है तो हम इनके ऊपर चेक क्यों करेंगे? फंक्शन की जितनी भी बातें होती है किसके लिए होती है? डोमेन के लिए। जब तक डोमेन के पॉइंट्स पे एफ अप्लाई नहीं करोगे हमें रेंज नहीं मिलेगी। तो डोमेन में जो भी, अगर कंटिन्यूटी भी हम देखेंगे तो डोमेन के पॉइंट्स पर ही हमें कंटिन्यूटी देखनी है। चाहे अभी हमने लिमिट की बात की थी तो लिमिट भी कहाँ चेक करी जा रही थी? डोमेन पर, क्योंकि डोमेन में से जब कोई पॉइंट आप उठाओगे तभी तो आप उस पर फंक्शन एफ अप्लाई करोगे और उसके बाद उसका नेचर देखोगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। तो पॉइंट कहाँ से मिलना है? डोमेन से, फिर ही उस पर फंक्शन अप्लाई होगा। आफ्टर देन वी गेट दैट हाउ द फंक्शन इज रेस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स दैट द पॉइंट। तो ये जब हमारे डोमेन में पार्ट नहीं है तो हम इसको छोड़ेंगे, और देखिए 3 to 4 में कंटिन्यूस हो गया, इसलिए फंक्शन कैसा फंक्शन है हमारा? कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिकली कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होगा। कंटिन्यूस का मतलब लगातार, तो ये हमने जो भी दो एग्जांपल देखे उनमें हमारा ग्राफ लगातार था।
इसलिए फंक्शन के कंटिन्यूस होने से मतलब है कि जो ग्राफ होगा वो लगातार होगा और जो पेन की नोक है वो लगातार चलती जाएगी। अगर फंक्शन में कहीं गेप आ रहा है तो वो उसके डोमेन का पॉइंट्स नहीं होगा। फंक्शन कंटिन्यूस होगा, फंक्शन का ग्राफ सतत होगा, लगातार होगा, कहाँ? उसके डोमेन में। ये डोमेन शब्द हमें कभी नहीं भूलना है क्योंकि फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेंज सेट से भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डोमेन। जब तक आप डोमेन के पॉइंट्स अप्लाई नहीं करोगे फंक्शन हमारा रेंज सेट बन ही नहीं सकता। इसलिए डोमेन के हर पॉइंट की ही बात की जाएगी। अगर हमने लिमिट भी चेक की तो वो डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर ही चेक की। अगर लिमिट, अब हम कंटिन्यूटी देखेंगे तो वो भी डोमेन का एक पॉइंट लेंगे, फिर उस पर फंक्शन का बिहेवियर कैसे है वो हम चेक करेंगे। अब हम देखते हैं, ये तो हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया कि कंटिन्यूटी से मतलब क्या है, फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या मीनिंग है कि ग्राफ लगातार होना चाहिए उसके डोमेन में। ज्योमेट्रिकली ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस। ग्राफ ऑफ एफ डज नॉट ब्रेक इन इट्स डोमेन। जो फंक्शन का ग्राफ है वो उसके डोमेन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ग्राफ डोमेन में लगातार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, इसका डोमेन क्या होता है पूरा। साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है आर, रेंज हम जानते हैं इसकी -1 से 1 के बीच में होती है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो इसका हम जानते हैं ग्राफ इस तरीके से होता है, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। बाकी आप सबको पता है ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ आइडिया है केवल आपके लिए, ऐसा नहीं आप इसको एग्जैक्ट मतलब थोड़ी सी एक आइडिया है कि ग्राफ हमारा साइन एक्स का इस तरह होता है। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं, e की पावर x का जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है। तो ये भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूस, इसका डोमेन जो होता है वो हमारा r होता है और जो इसकी रेंज होती है, इसकी r+। देख रहे हैं हम ऊपर की साइड, ये नीचे की ग्राफ की ऊपर की साइड, y में पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो हम देख रहे हैं y की वैल्यू उसके भी पॉजिटिव है, इसलिए इसकी रेंज क्या होती है r+। तो ये क्या हो गया हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, क्योंकि ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है पूरे के पूरे डोमेन में। तो ये दो एग्जांपल हमने देखे। इसके बाद हम जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये तो केवल एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है समझने के लिए कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूटी शब्द हमें क्या कहना चाहता है। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की कोशी डेफिनेशन हम देखेंगे। कोशी अ रियल वैल्यूड फंक्शन A real valued function f from d to r is said to be continuous at a point
a belongs to b. क्या कह रहे हैं, एक रियल वैल्यूड फंक्शन f फ्रॉम d टू r इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a belongs to d. यहाँ पर a किसका पॉइंट है, इस डोमेन d का. एट अ पॉइंट a belongs to d इफ a belongs to d ऑफ इट्स डोमेन, किसका, इसके खुद के डोमेन का, ऑफ इट्स डोमेन इफ For all epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod of x minus a less than delta implies that mod of fx minus fa less than epsilon. क्या कह रहे हैं, कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, कंटिन्यूटी क्या कहती है, इसको हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन भी कहते हैं, कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन किसकी, कंटिन्यूटी. अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ रियल शब्द क्यों काम है, क्योंकि जो सब जो आर इसकी रेंज, इसका कोडोमेन भी आर है और जो डी होगा वो भी सबसेट होगा आर का. कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो है एफ फ्रॉम डी टू आर इज सेड टू बी कंटिन्यूसली कंटिन्यूस कहा जाएगा, कहाँ, एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू डी. यहाँ पर ए जो पॉइंट है वो कहाँ का है, डोमेन बी का. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वो पॉइंट हमारा डोमेन का पॉइंट होना चाहिए. तो ये पॉइंट जो ए है वो किसका है, इस डोमेन डी का पॉइंट है, ऑफ इट्स डोमेन. तो ये फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर कंटिन्यूस कब कहलाएगा, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा इस प्रकार मिलना चाहिए कि जब मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है तब मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा. सेम डेफिनेशन लिमिट वाली है, बस डिफरेंस क्या है कि लिमिट में जो पॉइंट ए होता है वो डोमेन का पॉइंट होना जरूरी नहीं है. वहां हमने किसकी बात की थी, डिलीटेड नेबरहुड की. अगर हम देखें लिमिट में हमने क्या लिया था, अगर एक बार लिमिट की उस हम डेफिनेशन को देखें तो वो था 0 टू मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन. ये था हमारा लिमिट के लिए, क्योंकि लिमिट में जो ये पॉइंट ए था वो डोमेन का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी, नीड नॉट टू बी द पॉइंट ऑफ डोमेन. इसलिए जो डेफिनेशन में हमने बात की थी, हमने क्या बोला था, जो फंक्शन होगा वो उसके डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइंड होना चाहिए, उस पॉइंट पर वैल्यू डिफाइंड हो भी सकती है और नहीं भी. तो ये जो पॉइंट था वो डोमेन का पॉइंट होना जरूरी नहीं है, जबकि कंटिन्यूटी के लिए जो पॉइंट ए है वो किसका पॉइंट होना चाहिए, डोमेन का. यहाँ एफ है, यहाँ एल है, ये दोनों सेम है. अभी हम देखेंगे कैसे ये दोनों सेम है. तो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो ए है वो डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी. तो ये हमारी कंटिन्यूटी की कोशी डेफिनेशन, या हम इसको कह सकते हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब यहाँ अगर हम देखें तो जो x माइनस ए की वैल्यू है वो डेल्टा से माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में होगी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा x बिलोंग करेगा हमारा हो गया a माइनस डेल्टा.
ए में डेल्टा जोड़ा ए प्लस डेल्टा, ए से डेल्टा घटाया क्योंकि पीछे आ रहे हैं ए माइनस डेल्टा, तो एक्स हमारा ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में वेरी करता है। और अगर वही बात हम एफ एक्स के लिए करें कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन है, इसमें इसका मतलब ये वैल्यू माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में है। इसको भी हमने दो तरीके से किया, एक हमने यहाँ लिखा और एक हमारा हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एप्सिलॉन से इधर एफ एक्स बड़ा है और इधर एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ ए। अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है तो ये एफ एक्स किसके बीच में वैरी करेगा हमारा, तब जो एफ एक्स है वो एफ ए माइनस एल्फा एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन इनके बीच में वैरी करेगा। अगर एफ ए ये है, अगर ये दूरी एप्सिलॉन माने तो ये हो जाएगा एफ ए में क्या जुड़ गया एप्सिलॉन, अगर ये दूरी भी हमारी एप्सिलॉन है तो एफ ए में से क्या घटाया हमने एप्सिलॉन, तो जो एफ एक्स होगा उस कंडीशन में वो इन दोनों के बीच में वेरी करेगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो ये हमने देखी कोशी डिमांड कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम आगे देखेंगे, इसमें एक नोट करने वाली जो बात है नोट लगा के आपको लिखना है, नोट करेंगे इन कंटिन्यूटी A must be the point of domain. A क्या होगा? Domain का point होगा, but in limit A need not to be the पॉइंट ऑफ डोमेन। हम क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी में जो मेरा पॉइंट ए होगा वो डोमेन का पॉइंट होना कंपलसरी है, जबकि लिमिट में ए डोमेन का पॉइंट होना जरूरी नहीं है। तो ये नोट कर लगा के आप सभी को लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो कोशी डेफिनेशन की कंटिन्यूटी की उसमें और जो लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, तो इसी वजह से लिमिट में और कंटिन्यूटी में भी कनेक्शन है। तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, अरिथमेटिक डेफिनेशन भी बोलते हैं इसको हम। अरिथमेटिक डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, ये हमारी डेफिनेशन किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, अरिथमेटिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट। इसके अंदर हमें पांच पॉइंट्स हैं। इफ अ फंक्शन फ्रॉम डी टू आर, अगर एक एफ मेरा फंक्शन है, बी अ फंक्शन If f is a function from D to R, let f from D to R be a function and A belongs to D, A domain ka point hai, then D be the point of domain, then the function then the function is said to be continuous the function is said to be continuous
एट ए इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स hold true. हम क्या कह रहे हैं कि let f d से R में एक फंक्शन है एंड a belongs to d be the point of domain. ये एक a क्या है, एक डोमेन का पॉइंट है. then the function is said to be continuous at a. तो फंक्शन मेरा पॉइंट a पर कंटिन्यूस कहलाएगा कब, इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू. कि अब जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो हमारे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए. तो हम देखते हैं हमारे को स्टेटमेंट्स क्या हैं, आप इसे नोट कीजिए. तो वो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास पांच स्टेटमेंट्स हैं. नंबर वन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ई प्लस एच एग्जिस्ट फाइनाइटली. क्या कह रहे हैं हम, पॉइंट ए पर राइट हैंड लिमिट. ये राइट हैंड लिमिट का नोटेशन है, हमने पढ़ा था इसके पहले लिमिट वाले चैप्टर में कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ए प्लस एच एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली. राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली. सेकंड है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ई माइनस एच एग्जिस्ट फाइनाइटली. जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं ए पर, उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. नंबर थर्ड, लिमिट s tends to 0 f a plus h is equal to limit s tends to 0 f a minus h की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. इसका मतलब लिमिट x tends to a fx exists finitely कि ये लिमिट इस पॉइंट a पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये फाइनाइटली लिमिट होनी चाहिए. इसके बाद नंबर फोर, नंबर फोर क्या है हमारा, एफ ए एग्जिस्ट फाइनाइटली. उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. अभी तक हमने देखा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर लिमिट होनी चाहिए, वो भी किस तरीके से, फाइनाइटली. कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल. तो उस पॉइंट पर लिमिट हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए. नंबर फोर पॉइंट, एफ ए एग्जिस्ट करनी चाहिए, एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली. उस पॉइंट ए पर जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है एफ ए जो है वो भी फाइनाइटली होना चाहिए. और जो फिफ्थ और हमारा लास्ट पॉइंट है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ए के. ये लिमिट इस एफ ए के बराबर होनी चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है. तो लिमिट की जो कंटिन्यूटी, जो डेफिनेशन है लिमिट की, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट क्या कहती है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. ये नोटेशन आपको पहले बता रखे हैं, राइट हैंड लिमिट को शो करता है. राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. नंबर टू, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. नंबर थ्री, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए. इट मीन्स
उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एडजस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. नंबर फोर, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली. और नंबर फिफ्थ क्या कहता है कि उस पॉइंट पर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर. तो जो मेन डेफिनेशन हम कह रहे हैं पांच पॉइंट ना लेके हम तीन पॉइंट भी कह सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ. थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. नंबर फोर्थ, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए. नंबर फिफ्थ, दोनों लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए. अगर इनमें से अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा. सपोज अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप कंटिन्यू चेक कर ही नहीं सकते हो. और अगर फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर फाइनाइटली नहीं है, इन्फिनिटी मिल रहा है, तब भी उस पर लिमिट, तब भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा उस पॉइंट पर, तब उसमें डिसकंटिन्यूटी होगी. तो ये हमारे पांच पॉइंट हो गए जिन्हें हमें ध्यान रखना है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, हमें यही यूज में लेने यही पॉइंट. अब हमने लिमिट में बात की थी कि जो लिमिट होती है फंक्शन की, एक नोट और आपको ध्यान रखना है कि जो लिमिट है उसकी वैल्यू फाइनाइट होना जरूरी नहीं है. वहां हमने फाइनाइट की कोई बात नहीं की थी. नॉट क्या है हमारा, फाइनाइटली वर्ड इज यूज्ड इन कंटिन्यूटी. ये जो वर्ड हम फाइनाइटली बोले कि लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, हमने कहा कंटिन्यूटी में यूज किया है. लेकिन लिमिट में हमने कहीं नहीं बोला कि लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए. लिमिट में भी लिमिट नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट फाइनाइट. लिमिट फाइनाइट नहीं भी हो सकती है, लिमिट इन्फिनिटी भी आ सकती है, तब हमें इसको क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट फाइनाइटली. कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जैसे अगर सपोज हम बात करें लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन एक्स, तो इसकी जब लिमिट हम देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी. तो हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट फाइनाइटली, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो क्या है, फाइनाइटली नहीं है. लेकिन कंटिन्यूटी में अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो कंटिन्यूटी होगी ही नहीं वहां पर. इसलिए कंटिन्यूटी में फाइनाइटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू भी होनी चाहिए तो फाइनाइट होनी चाहिए, जबकि लिमिट में हमने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा. एक चीज और लास्ट आपको बताऊंगी कि हमने देखा यहाँ पे मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एल इज इक्वल टू एफ ए. अगर इस पॉइंट पर इस पूरी लिमिट को एल माना जाए तो एल किसके बराबर है, एफ ए. तो लिमिट में हम क्या लिखते थे, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. यहाँ पर एल और एफ ए आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए एल को किससे रिप्लेस किया है, एफ और ए से. तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिमिट कंटिन्यूटी है, इसका मतलब उस पॉइंट पर लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, इसलिए इस लिमिट को एफ ऑफ ए से रिप्लेस किया गया है. और यहाँ जो पॉइंट डोमेन, जो पॉइंट ए है वो भी डोमेन का होना चाहिए. तो आज हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो डोमेन के ऊपर किस तरह हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल्स पर, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. थैंक यू.